नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि परमात्मा के आगे प्रार्थना कैसे करनी है। सबसे पहले तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा है जिसके आगे हम प्रार्थना कर रहे हैं, और वह परमात्मा कण कण में मौजूद है। वह हर जगह व्यापक है, सर्वत्र है, और वह हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। इसलिए हमें आंखें बंद करके एकांत स्थान पर बैठकर परमात्मा के आगे प्रार्थना करनी चाहिए, और यह अपने मन से कहना चाहिए, क्योंकि जो बात हमारे मन से कही हुई है वह ज़्यादा प्रभावशाली है, और जो बात हम अपनी जबान से कहते हैं उसका इतना प्रभाव नहीं होता। और हमें अपने मन में यह परमात्मा के आगे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, मुझ में कोई बल नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। आप सर्वशक्तिमान हो, आप बुद्धि के भंडार हो, और आप सब कुछ कर सकते हो। आप में सब समर्था है, और मैं आपके आगे यह प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, मेरी मदद करो, क्योंकि मुझ में कोई बल नहीं है, और आप सब जगह व्यापक हो, और मेरे में जो सीमित बल है वो कभी कभी समाप्त भी हो जाता है, और मेरी बुद्धि भी कभी कभी धोखा दे जाती है। इसलिए परमात्मा, आपका जो समर्था है, जो आपका बल है, वह कभी भी समाप्त नहीं होता, और आप हर जगह अपने बल को इस्तेमाल कर सकते हो। हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं आपके आगे एक बच्चे की तरह प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं आपका बच्चा हूँ, इसलिए परमात्मा आप अपने बच्चे की जरूर सुनोगे। इसलिए हे परमात्मा, एक बच्चे की तरह, जैसे एक पिता एक बच्चे को हर संभव सहायता प्रदान करता है, उसकी मांग पूरी करता है, और मेरी भी मांग पूरी करो, मेरी मदद करो, हे परमात्मा मेरी मदद करो। धन्यवाद।